तो कैसे हो दोस्तों, आज ये दो स्मार्टफोन के बारे में बताऊँ, दोनों में कितना अंतर है भाई। सेम फोन वन खरीदोगे या फिर ये स्मार्टफोन दूसरा जो है M35 सैमसंग का। दोनों की प्राइस बहुत ही जबरदस्त है, दोनों अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, खरीद सकते हैं, दोनों बाय करने के लायक भी हैं। दोनों स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो 8 दिन की आसपास के हैं। दोनों स्मार्टफोन यानी 12 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था सेम फोन वन, और 20 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था M35। दोनों की रेटिंग काफी अच्छी है, 88% स्कोर के साथ में, और दोनों स्मार्टफोन की 4.2 की आउट ऑफ 5 में से स्टार रेटिंग दे रखी है लोगों ने, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं, 7.5 स्टार रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से M35 को। ये मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों लोगों को क्या कमी लगी। 12 रेटिंग ठीक है दोनों की, और क्या क्या मिल जाता दोनों में मैं आपको बता दूं। MediaTek 7300 का प्रोसेसर इसमें मिलता है सेम फोन वन में, और जो कि इसका एंड्रॉइड स्कोर 6 लाख के आसपास निकाल के देता है, 5,95,000। तो ये गजब का एंड्रॉइड स्कोर 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड प्रदान कराता, तो मतलब जबरदस्त चिपसेट। 6.67 इंच की एक कंफर्टेबल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है इस फोन के अंदर, और बेहतर है, अच्छे कलर्स, अच्छे कंटेंट वॉच कर सकते हैं, गजब की अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, कोई शक नहीं इस फोन के अंदर। और 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, 2000 पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, यानी ब्राइटनेस की कोई कमी आउटडोर में नहीं होने वाली, तो बेहतरीन डिस्प्ले है, कोई शक। कैमराज की बात करें तो इसमें इस फोन के अंदर डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 50 MP का इसमें सोनी का IMX882 का लेंस मिलता है, अच्छे फोटोज निकाले जा सकते हैं। 16 MP का फ्रंट लेंस मिल जाता है, इसमें 2 MP का एक और लेंस मिलता है। 5000 mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इस फोन के अंदर, और भाई 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज में मिलेगा, और USB टाइप सी मिल जाती है, ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है इस फोन के अंदर, IP52 की रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। और इस वक्त ये स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है भाई, जबरदस्त। प्राइस के बारे में आगे बताता हूँ, M35 अगर खरीदते हैं तो इसमें आपको Exynos 1380 का चिपसेट आपको देखने को मिलता है सैमसंग का, ये ठीक ठाक है, इसका स्कोर 5 लाख 5.5 लाख के आसपास निकाल के देता है। 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है, ये आप जानते होंगे, इसके भी 1000 nits पीक ब्राइटनेस, 120Hz रिफ्रेश रेट, अच्छे कंटेंट्स वॉच कर सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ में आपको डिस्प्ले मिल जाती है इस फोन की भी, कोई शक नहीं, अच्छे गोरिल्ला ग्लास फिल्टर्स का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो 1080 वाली डिस्प्ले है दोनों, और एमोलेड डिस्प्ले है दोनों, बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है, सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। कैमराज में फर्क है वो आपको बता देता हूँ, इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है M35 में, 50 MP का AI लेंस सपोर्टेड मिल जाता है, 10x डिजिटल जूम के साथ में 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और 2 MP का एक और लेंस दिया गया है। सामने की तरफ 13 MP का मिलता है, इससे भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैमराज दोनों में बहुत ही जबरदस्त मिल जाते हैं, और सेम पिक्चर और सेम फोटोज वीडियो निकाले जा सकते हैं, अच्छे फ्रंट कैमरा भी आपको सही मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। इस फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, ये आप समझ लीजिए थोड़ी बड़ी बैटरी मिलती है, 1.5-2 दिन तक स्मार्टफोन में बैटरी चलेगी। NFC सपोर्टेड स्मार्टफोन है, ठीक है, और ये सुपर कूलिंग वेब चैम्बर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हीटिंग से बचाव करता है। 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज में खरीदा जा सकता है। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त है, और इस प्राइस की रेंज में ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन, अगर कोई भी स्मार्टफोन बताएगा जो टॉप 15,000 रुपए के आसपास, तो ये स्मार्टफोन जरूर बताएगा, क्योंकि बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन है। इस वक्त सेम फोन बहुत ही जबरदस्त है, यानी कल की डेट में, यानी परसों मैंने शायद देखा था, इसकी प्राइस 13,999 रुपए की प्राइस में स्मार्टफोन मिल रहा था, और 13,999 रुपए की प्राइस में MediaTek 7300 प्रोसेसर कोई नहीं दे रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रोसेसर बहुत जबरदस्त है, इस वक्त इस फोन की प्राइस 14,000 रुपए के आसपास, 14,300 रुपए के आसपास शायद है, और M30 की प्राइस है 15,999 रुपए, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, और ये 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज में दोनों स्मार्टफोन। प्रोस और कॉन्स की अगर बात करें तो इस फोन में आपको M35 में भाई स्लो चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है, जो कि 25W फास्ट चार्जिंग है, बाकी लो लाइट में आप जब कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो फोटोज डिसेंट से हो सकते हैं, बारह अच्छी लाइट होती है तो अच्छे फोटोज निकाला जा सकता है स्मार्टफोन से, लाइटिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। और दोनों में लगभग सेम ही कहानी है, इनमें से कोई सा स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं, कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल। शुक्रिया।